सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोपेगेशन क्या है एक्चुअली, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी क्यों जरूरत है और ये प्रोपेगेशन क्या होता है। सो इसकी कुछ साइंटिफिक डेफिनेशंस है, वो हम देखते हैं। प्रोपेगेशन इज अ नेचुरल मैकेनिज्म बाय विच प्लांट्स रीजनरेट। सो ये नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, खुद का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उनके अपने नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। तो प्रोपेगेशन इज मोस्ट ऑफन बाय सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट और बाय प्लांट पार्ट्स लाइक वाइन्स, रूट्स, ट्यूबर्स, स्टेम्स, कटिंग्स एटसेट्रा। सो ये डिफरेंट मेथड से क्रिएट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट मे बी बाय सीड्स और बाय द प्लांट पार्ट्स लाइक वांस, वाइन्स, जड़ से, ट्यूबर से, स्टेम से, इस तरह से इनके डिफरेंट मेथड्स हैं। ये सक्सेसफुल प्रोपगेशन मेथड इज वन दैट ट्रांसमिट्स ऑल द डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल प्लांट टू द ऑल प्रोगेनी। सो एक सक्सेसफुल प्रोपेगेशन क्या है? हम एक सक्सेसफुल प्रोपेगेशन तभी कहेंगे जब जो पेरेंट प्लांट होगा उसके सभी ट्रेट्स, उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज कि हमारा कोई प्लांट है, कोई फ्रूट है, वो उसकी यील्ड 1 kg पर प्लांट है। अगर वो डीजनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में भी 1 kg ही प्रोड्यूस कर पा रहा है और मोर देन 1 kg प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स द प्रोपेगेशन इज सक्सेसफुल। इट रिड्यूसेस टू 1/2 kg से देन वी कैन से दैट द प्रोपेगेशन इज नॉट सक्सेसफुल। देयर मे बी सम लॉस ऑफ कैरेक्टर्स, सम लॉस ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर लूजिंग समवेयर। सो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल नहीं है। सो टू काइंड ऑफ प्रोपोगेशन इज देयर और रिप्रोडक्शन, दो तरह का रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपोगेशन होता है प्लांट्स में। सो लेट अस सी व्हिच आर टू प्रोपोगेशन मेथड्स। सो फर्स्ट इज सेक्सुअल मेथड। सो पोलन एंड एग कंबाइन जेनेटिक मटेरियल टू क्रिएट ए न्यू यूनिकली इंडिविजुअल प्लांट। इसमें पोलन जो कि मेल पार्ट होता है, एग जो कि फीमेल पार्ट होता है, दोनों कंबाइन करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है एंड क्रिएट्स ए न्यू मटेरियल दैट इज यूनिकली इंडिविजुअल प्लांट। सो उसी से हमारा इंडिविजुअल प्लांट बनता है और वो प्लांट किससे बनता है? सीड से, और पोलन और ग्रेन एग के फर्टिलाइजर से ही सीड क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट मेथड इज असेक्सुअल मेथड, क्लोनिंग ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए सिंगल पेरेंट प्लांट। सो असेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि किसी प्लांट के पार्ट से स्टेम, इट्स रूट्स, इट्स एनी अदर बड्स, एनी अदर पार्ट जो रीजनरेट कर सकता है, अगर उस मेथड से इसको बनाया गया है, प्रोपेगेट किया जाता है, तो वो असेक्सुअल मेथड में आएगा। तो ये दोनों मेथड्स अलग अलग हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम असेक्सुअल के बारे में थोड़ा देखेंगे। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज असेक्सुअल इन डिटेल्स। वेज ऑफ प्रोपोगेशन प्लांट्स। सो वेज हमने पहले डिस्कस कर दिया, सेक्सुअल बाय द हेल्प ऑफ सीड्स मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड पोलन। सो असेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव, मीन्स देर इज नो एनी मेल एंड फीमेल पार्ट दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोपोगेशन। इट इज प्योरली असेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिवली, मीन्स नो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दिस मेथड। सो असेक्सुअल में कितने तरह के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एपोमिस्टिक एम्ब्रॉयस सिट्रस मैंगो में होता है, देन कटिंग, देन ग्राफ्टिंग, देन बडिंग, लेयरिंग, रनर्स ये स्ट्रॉबेरी में होता है, सकर्स रेड रास्पबेरी, ब्लैक ब्लैकबेरी एंड सेपरेशन, डिवीजन, स्टेम ट्यूबर, ट्यूब रूट्स, रूट राइजोम्स एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। ये सब मेथड्स हैं असेक्सुअल्स के, इनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होगा उसकी हम इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले हम 2-3 लेक्चर्स में हम इनको 2-2, 3-3 करके असेक्सुअल के मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस हैव लुक ओवर फर्स्ट 2-3 असेक्सुअल मेथड्स। सो विच मेथड टू यूज, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सो कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए? सो हाउ टू चूज वी शुड गो फॉर सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। इफ द प्लांट ग्रुप रिप्रोड्यूस ट्रू बाय सीड्स विद नो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज्ड, द कल्टीवार इज टर्म ए प्योर लाइन। अगर कोई प्लांट ट्रू सीड प्रोड्यूस करता है, मीन्स देर इज नो चेंज और नो लॉस ऑफ कैरेक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड प्योर लाइन। ए लाइन इज होमोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स मीन हैविंग सिमिलर एलेल्स ऑफ मेंडेलाइन पेयर,
प्रेजेंट इन द सेम सेल एज फॉर एग्जाम्पल ए ड्वार्फ पी प्लांट विथ जीन्स टी टी फॉर ड्वार्फनेस ओनली एंड इफ सेल्फ पोलिनेटेड और इफ क्रॉस पोलिनेटेड इज प्रिवेंटेड। सो आई होप आपने जो मेंडली के एक्सपेरिमेंट से वो आप सब जानते होंगे। सो अगर आप नहीं जानते तो हम किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आप हमें कमेंट में जरूर लिखें अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मेंडल जो पेयर्स थे जो टी टी और स्मॉल और कैपिटल से उसने जो क्रॉस करके उनका एक्सपेरिमेंट था मेंडल एक्सपेरिमेंट, सो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो उसको हम अभी डिटेल में नहीं लेंगे। इफ अगर उसकी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट कर दें और अगर हम उससे प्योर सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं प्योर इंडिविजुअल्स में, देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ इट्सेल्फ पोलिनेटेड और इफ क्रॉस पोलिनेटेड इज प्रिवेंटेड सीड प्रोपगेशन यील्ड्स प्रोग्रेनी लाइक द ओरिजिनल प्लांट। सो उन्होंने क्या कहा मेंडल ने कि अगर हम किसी प्लांट के होमोजाइगोटस मींस कि जो सिमिलर एलेज होंगे मेल एंड फीमेल पार्ट, अगर हम उसे सेम प्लांट का यूज करके हम रिजेनरेट करते हैं और अगर हम सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं मीन्स कि उसको दूसरे प्लांट से जो पोलन्स होते हैं वो फ्लो होके ना वहाँ पर आए उस पर ना फर्टिलाइजेशन हो एक्सटर्नल पोलन्स का, सो हम प्योर सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सीड प्रोपेगेशन यील्ड प्रोजेनी लाइक द ओरिजिनल प्लांट मीन्स दैट इज द प्योर लाइन इफ देयर शुड नॉट बी एनी क्रॉस पोलिनेशन। सो इट वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। सो एग्जाम्पल्स आर many of the world's leading economic plants, the cereals, vegetables and garden flowers are made up of group of these lines. So जो cereals हैं, vegetables हैं, garden flowers हैं, बहुत सारे ऐसे हैं examples जो कि pure lines से बनाए गए हैं means by preventing the cross pollination. On the other hand, many groups of plants are heterozygous means hetero means having different alleles of Mendelian pair in the same cell, as example a tall plant with gene for tallness T and gene for dwarfness T, small t, rather than the homozygous. So, अगर हम Mendelian के जो दूसरा experiment था, अगर हम उसमें different traits, means cross pollination का use करें, means एक plant that you have the tallness characteristics and another have a dwarfness characteristics, then if the cross of both is done, then it is called heterozygous. So, in this case, the plant will have the characteristics of both and that the produced plants will have the characteristics in a particular ratio. That ratio we can discuss in Mendelian lecture if you agree to take that lecture. So this include fruit and nuts, spices, many forage crops and woody ornamentals. So inke examples mein fruit hai, kuch nuts, spices and forage crops aate hain isme heterozygous. So heterozygous plants have many dissimilar genes that segregate and recombine so that the resulting plants differ from each other and from their parent. So heterozygotes में क्या होता है कि इसमें जो parent plant से जो coming जो next trait होती है, next जो generation होती है, उससे काफी कुछ difference होता है. Maybe higher yield, maybe lower yield, maybe some another characteristics, maybe some resistance, maybe some bad effect or good effect. There may be anything. Depending upon the conditions. With these plants, seed propagation cannot maintain the characteristic of the female parent and cannot be used as a successful propagation produce. So, जहाँ भी cross pollination होगा या फिर इस तरह के जो loss of characteristics होगा, उसे हम successful propagation नहीं कहते, हमने already देख लिया. With each heterozygous plants, vegetative asexual propagation is usually used. So, जहाँ पर heterozygous बनने का ज़्यादा चांस होता है कि मींस देयर मे बी चांस ऑफ लॉस ऑफ सम कैरेक्टर्स, सो एट दैट प्लेस वी शुड यूज वेजिटेटिव और एक्सेसुअल मेथड्स टू रीजेनरेट और रिप्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन. सो आई थिंक आई एम क्लियर विद माय पॉइंट दैट व्हेनेवर देयर इज नीड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट लॉसिंग एनी कैरेक्टर, सो वी शुड गो फॉर वेजिटेटिव or asexual propagation in the plants. So cultivars originating from a single plant or plant part and maintaining in this manner by vegetative propagation are called clones. So in clones kaha jata hai. Clones means have the same characteristics as their parents have. So two type of cell division is there. So what is as first is mitosis, and mitosis means one mother cell divides into
टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल। सो माइटोसिस में क्या होता है कि दो सेल्स, एक सेल का डिवीजन होता है, दैट इज ब्रोकन इनटू और दैट इज सेपरेटेड और दैट इज रिप्रोड्यूस इनटू टू सेल्स, एंड दिस बोथ टू सेल्स विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम देयर ट्रेट्स। दिस इज नॉर्मल प्लांट ग्रोथ। सो इसमें नॉर्मल प्लांट ग्रोथ होती है। एंड नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस मीन्स वन मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग्स एंड पोलन्स। सो इसमें सिमिलर करेक्टर्स होने का चांसेस 100% नहीं होता है। देर विल बी सम डिफरेंस इन बोथ द सेल डिवीजन करेक्टर्स। नो गैमेट फॉर्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द गैमेट दैट कंबाइन टू फॉर्म द पेरेंट प्लांट। सो असेक्सुअल प्रोपगेशन, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल प्रोपगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द सीड साइकिल, क्लोनल प्रोपगेशन। मीन्स मल्टीप्लीकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द सीड साइकिल, जिसमें सीड साइकिल जो नहीं होता है उसको हम सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। सीड साइकिल मीन्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड, दैट इज फर्स्ट पोलन एंड एग विल मेट, देन फर्टिलाइजेशन विल अकर, देन इट विल ग्रो स्लोली इन टू सीड। सो दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल और सीड साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल प्रोपगेशन। सो इन दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देर इज नो सच साइकिल एग्जिस्ट, सो इट इज क्लोनल प्रोपगेशन। सो क्लोन मीन्स ए जेनेटिकली आइडेंटिकल असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट एंटायरली बाय वेजिटेटिव मीन्स। सो जो एंटायरली वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा किया जाता है। सो बेनिफिट्स ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन, तो इसके बेनिफिट्स क्या है क्लोनल प्रोपोगेशन के। सो सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्यू इफ एनी वायबल सीड्स। प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके वायबल मीन्स दैट विल बी मीन्स ओनली दो सीड्स विच विल ग्रो, द नंबर ऑफ सीड्स इज वेरी लेस, मीन्स वी आर रिप्रोड्यूसिंग परसेंटेज इज वेरी लेस, जर्मिनेशन परसेंटेज इज वेरी लेस वी कैन से। क्लोनल प्रोजेनी आर हाईली यूनिफॉर्म टू ऑल कैरेक्टर्स। सो जिसमें जिसमें कि जो क्लोनल प्रोजेनी होते हैं उसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है एज कंपेयर टू सीड यूनिफॉर्मिटी। एंड आउटक्रॉसिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली वेरिएबल प्रोजेनी। प्लांट्स में हैव एक्सटेंडेड जुवेनाइल पीरियड। सो इसमें जुवेनाइल पीरियड होता है वो एक्सटेंड हो सकता है, ज्यादा टाइम तक रह सकता है। क्लोनिंग अलाउज फॉर कंबाइनिंग जीनोटाइप्स इन वन प्लांट। सीड्स में हैव लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स डोरमेंसीज। सो सीड्स में डोरमेंसी हो सकती है, डोरमेंट रह सकते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस वजह से हम क्लोनल प्रोपोगेशन की तरफ जाते हैं। सो डीप सीड डोरमेंसी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, जब मैं सीड के बारे में देखा था। सो आप वहां से पढ़ सकते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में, एक सेपरेट लेक्चर है। सो एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल और क्लोनल प्रोपोगेशन। सो एडवांटेज क्या है इसकी। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और प्रोपोगेशन प्लांट्स मैच्योर इन शॉर्ट टाइम। इसमें जो मैच्योरिटी टाइम होता है शॉर्ट टाइम होता है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बडिंग इज फास्टर और क्विकर देन ग्राफ्टिंग। सो बडिंग ज्यादा फास्ट होता है ग्राफ्टिंग से। सो व्हाट इज ग्राफ्टिंग एंड व्हाट इज बडिंग वी विल सी इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। इन ट्रेंच लेयरिंग प्लांट्स फॉर्म ए एट ईच नोड ऑन कवर्ड स्टेम्स। सो ट्रेंच लेयरिंग में जो ईच नोड पर सेपरेट प्लांट बनता है, एंड व्हाट इज ट्रेंच लेयरिंग वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स। सो सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स। सो कुछ प्लांट्स के जो वायबल सीड्स नहीं होते हैं तो वहां पर हम एसेक्सुअल यूज करके उसकी एडवांटेज ले सकते हैं। न्यू प्लांट आर सेम एज पेरेंट। सो जो नए प्लांट्स बनते हैं वो सेम एज पेरेंट्स। सो डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल क्लोनल प्रोपगेशन। सम रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्किल सच एज ग्राफ्टिंग। सो इसमें जो असेक्सुअल या क्लोनल प्रोपगेशन है इसमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल मशीन्स या टूल्स कह सकते हैं जरूरत पड़ती है। कटिंग डिटैच प्लांट पार्ट फ्रॉम वाटर एंड न्यूट्रिएंट सोर्सेस। जब हम कटिंग करते हैं उनकी तो उस टाइम टाइम पर इसकी वाटर एंड न्यूट्रिएंट से कटिंग हो जाती है सप्लाई ही। सो उस कुछ टाइम के लिए उसकी ग्रोथ रुक सकती है। सम प्लांट्स आर पेटेंटेड मेकिंग प्रोपगेशन इलीगल। सो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो प्रोपगेशन इलीगल है, सो वो भी इसके डिसएडवांटेज में आता है। सो असेक्सुअल प्रोपगेशन टर्म्स, तो कुछ टर्म्स हैं हम जो जनरली यूज करेंगे। सो उन टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया है। सो वॉट इज कॉम, एनलार्ज बल्ब लाइक फ्लैशी बेस ऑफ ए स्टेम, यूजली फ्लैटन एंड राउंडेड लाइक
ग्लैडुलस एंड कॉर्पस। सो कुछ एनलार्ज बल्ब की तरह फ्लैशी बेस होता है स्टेम में, जिसका फ्लैटेंड एंड राउंड शेप होता है। सो राइजोम एक क्रीपिंग अंडरग्राउंड स्टेम, यूजुअली हॉरिजॉन्टल, दैट प्रोड्यूस रूट्स एंड लीव्स एट द नोड्स। सो राइजोम्स होते हैं जो जो क्रीप मीन्स दैट इज एक बेल की तरह होते हैं। क्रीप मीन्स लाइक वाइन्स। अंडरग्राउंड स्टेम यूजुअली हॉरिजॉन्टल एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड लीव्स एट नोड्स। सो यहाँ पे भी नोड्स होती हैं, वहां पे रूट्स एंड लीव्स पैदा करते हैं। कैनन्स एंड बियर्ड आयरिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज स्टोलन और रनर। तो स्टोलन क्या है? एक क्रीपिंग अबव ग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड शूट्स एट नोड्स। तो ये भी सिमिलर ही होता है। देन ट्यूबर, ए स्वेलन मॉडिफाइड स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड लाइक पोटैटो। सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ पोटैटो, व्हाट इज पोटैटो। सो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज पोटैटो एंड वी कैन अंडरस्टैंड द ट्यूबर। तो नेक्स्ट इज सकर, से शूट और स्टेम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ए रूट। तो शकर क्या होता है? जो रूट से रीजनरेट होता है। एंड एसेक्सुअल प्रोपेगेशंस डिफरेंट मेथड्स वी विल सी। सो फर्स्ट इज कटिंग, नेक्स्ट इज लेयरिंग, नेक्स्ट इज डिवीजन, ग्राफ्टिंग, बडिंग, टिश्यू कल्चर, ऑल दीज आर द